आज के इस लेक्चर में हम साइड कटिंग एज एंगल और लीड एंगल को समझने वाले हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं साइड कटिंग एज एंगल होता क्या है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में और इसको हम कैसे देख सकते हैं। उसको समझने के लिए मैंने एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाया हुआ है। ये पीछे वाला पार्ट जिसको कि हम जिससे कि टूल को होल्ड करते हैं होल्डर में, उसको बोलते हैं सेंक या होल्डर। इसका बॉटम वाला पार्ट कहलाता है बेस, ठीक है। इसका ये पार्ट कहलाता है जो कि ऊपर की साइड होता है और इस पार्ट से थोड़ा सा नीचे की साइड होता है, ये कहलाता है फेस टूल का। ये साइड वाला पार्ट और ये आगे वाला पार्ट यदि हम टूल को फ्रंट से देखें तो ये कहलाता है फ्लैंक, क्योंकि ये साइड में होता है इसलिए इसको बोलते हैं साइड फ्लैंक। ये क्या एंड में होता है टूल के एकदम एंड में होता है इसलिए इसको बोला जाता है एंड फ्लैंक। तो ये हो गए कि हम किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ये टूल का बेस होता है। इसके साथ अब यदि हम साइड कटिंग एज एंगल को समझना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को लें और इसको बेस के पैरेलल कट कर दें, ठीक है। कट करने के बाद उसका टॉप व्यू लें, टॉप व्यू का प्रोजेक्शन लें तो टूल कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमने उसको कट कर दिया, इसके बाद इसका प्रोजेक्शन लिया तो ये टूल कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें ये जो टूल की साइड कटिंग एज होती है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं मैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये टूल की जो साइड कटिंग एज होती है, साइड कटिंग एज होती है और क्या करते हैं हम इससे साइड कटिंग एज से जहां पे कि ये सेंक से टच कर रहा है सेंक के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं। इसके साथ इसका जो एंगल लेंगे वो होता है साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, ये होता है साइड कटिंग एज एंगल। मेजर कटिंग जो होती है टूल की और जो टूल कटिंग का काम करता है वो साइड कटिंग एज से ही करता है, एंड कटिंग एज का तो हम कभी कभी यूज करते हैं। इसीलिए जो मेजरली काम करने वाली एज होती है टूल की वो साइड कटिंग एज होती है और इसमें जो एंगल बनता है इस कटिंग एज का सेंट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने पर वो होता है साइड कटिंग एज एंगल। अब हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, साइड कटिंग एज एंगल एंड लीड एंगल। उसको समझने के लिए मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ली हुई है, उसकी हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए मैंने एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अटैच किया हुआ है उससे। यदि ये साइड कटिंग एज एंगल होगा, साइड कटिंग एज एंगल, और टूल जिस एंगल से कटिंग करता है ये यहां पे इस एंगल से कटिंग कर रहा है तो ये वाला एंगल कहलाता है लीड एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल होता है टूल का साइड कटिंग एज एंगल और जिस एंगल से टूल कटिंग कर रहा होता है उसको बोलते हैं लीड एंगल। लीड एंगल की वैल्यू साइड कटिंग एज एंगल के बराबर हो सकती है यदि टूल प्रॉपरली एग्जैक्टली सेम फिट हुआ है, जिससे कि इसका लीड एंगल और साइड कटिंग एज एंगल बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम टूल को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, यानी कि इसको वर्टिकली ना रख के थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, तो उस कारण क्या होगा इसका जो साइड कटिंग एज एंगल होगा वो ये होगा, ये हो जाएगा साइड कटिंग एज एंगल। लेकिन इसका जो लीड एंगल होगा ये होगा लीड एंगल, यानी कि इस टाइम पे साइड कटिंग एज एंगल की वैल्यू ज्यादा है लीड एंगल से। तो ये ओनली डिफरेंस है कि जिस एंगल से टूल कटिंग कर रहा होता है सरफेस की, ये सरफेस कुछ इस टाइप से रोटेट होगी तो उस एंगल को बोला जाता है लीड एंगल और टूल का साइड कटिंग एज के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। तो ये डिफरेंस है कि टूल जिस
यदि वर्टिकल फिट है तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, यदि थोड़ा सा टिल्ट है तो साइड कटिंग इज एंगल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी लीड एंगल से। तो ये डिफरेंस होता है कि जिस कटिंग एज से और जिस एंगल से टूल कटिंग कर रहा होता है उसको बोलते हैं लीड एंगल, और जबकि जो टूल का साइड एज का साइड फ्लैंक के साथ और सेंग के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। यदि आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को और क्लियरली देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का वीडियो बनाया हुआ है, जिससे कि सारे प्लेन से कट करके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के सारे एंगल दिखाए हुए हैं, और एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है नोज रेडियस, वो भी दिखाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप और क्लियरली देखना चाहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, मैंने उसमें कुछ क्लिप्स ऐड की हैं जिससे कि आपको ओरिजिनली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैसा होता है वो पता लग जाएगा। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर डायरेक्टली आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की वीडियो देख सकते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन साइड कटिंग एज एंगल एंड लीड।